गुरुदेव महाराज जी की पवित्र गोद विच विराजमान करे सत्संग जीओ समूह संगत दास वल्लों प्यार भरी जय गुरुदेव जय श्री गुरुदास। राग तनासरी बाणी श्री गुरुदास महाराज जीओ के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, कह रवदास आस लग जी जन
लॉकडाउन की वजह के नाल सतगुर की बख्शिश हुई। कुछ बच्चों ने ऐसा कर दिता कि बेशक लॉकडाउन है पर उन्हों का सत्संग उन्हों का भंडारा जोड़ा है वो खुंझिया नहीं। बेशक ऑनलाइन पर ही वो सत्संग सुन रहे हैं पर सतगुर की अपार बख्शिश हुई जिहड़ा संगतां दे मन च सी कि साडा अंतका दा भंडारा नहीं हो पाया तो सतगुर की बख्शिश दे नाल उन्हां दा ओ सत्संग सम्मेलन बरकतदार रहा। पर इतना जरूरी है कि दास इत्थे है ओ उत्थे सुणदे हन। सेवादार ने दस्या है कि
अज की जिहड़ी लंगर प्रथा चली हुई है, लंगर की जिहड़ी सेवा है वह भी उन्हां वल्लों ही हो रही है। गुरु प्यारी सतसंगत जी पाठी साहब जी ने सतगुर रविदास महाराज जी की पवित्र बाणी का जो शब्द लिया है, ये संतां की महानता दसी है। संतां की वड्याई के उपर यह शब्द है, जद रहे कल शहीद संत रामानंद जी का बलिदान दिवस है, कल सारिया संगत उन्होंने श्रद्धा सुमन पेट कर दस। अज का जो संतां की महिमा के उपर पाठी जी ने शब्द लिया, संत रामानंद जी उन्होंने शहीदी नूं ही समर्पित अज का सत्संग। गुरु जी ने इहदे विच संतां की महिमा गाई है, संतां का दर्जा दसिया है, संत की हुंदे हन ने फरमाया गुरु जी। बहुत सारे लोग कहिंदे ने कि रब का कोई रूप नहीं हुंदा, प्रभु निराकार है, उहदा कोई आकार नहीं है, उदा कोई वजूद नहीं है, उदा कोई शरीर नहीं है। पर गुरु जी ने कहा नहीं, प्रभु का आकार है, उदा वजूद है, उदा शरीर। अगर आपने उदा शरीर नहीं वेख्या, उदी स्वरूप नहीं देखा, तो आओ मैं तो दसदा हाँ कि वह संत अपने प्रभु का रूप की है। तो गुरु जी ने कहा संत तुझी तन, कि जो संत ने प्रभु तेरा रूप ने, और संगत परा जिहड़ी संगत है वो तेरी जान है। गुरु जी ने संतां नूं बड़ी महानता दे दित्ती। गुरु जी ने ही नहीं, सतगुरु कबीर जी ने भी कह, अकाल पुरख की आरसी साधु की है ते, अलख जो को जो लखना चाहे इन्हीं में लख ले। जिस तरह से अपना चेहरा किसी शीशे विच देख लेंगे, हाँ इसी तरह प्रभु ने अपने आप नूं देखण दे लई संतां दा सहारा लिया। संतां दे रूप दे विच प्रभु ने अपने आप नूं देखिया, अपने आप नूं जानिया, इह सतगुरु कबीर जी कहिंदे आ। सुखमणी साहिब जी दा जिकर पाठ वेखीए तो उहदे विच संतां दी बहुत ज्यादा महिमा गाई है। पता ही नहीं कितनी संत महिमा गाई गई है। अनेकां ही होर महापुरुष जिन्हां ने संतां दी महानता कही, जिथे महापुरुषां ने संतां दी महानता कही है उत्थे कुछ ऐसे भी लोग ने जिहड़े संतां दे दोखी भी ने, उल्ट भी बोलते ने। बेसिकल उन्हां दा कसूर कोई नहीं है, उन्हां दी ये अज्ञानता है कि वह विकारियां नूं भी संत कह लग पैंदे ने। जिहदे चाप गुण ने उन्हां नूं भी संत कहणगे, कहणगे वह फलाना संत जर उन्हें की कीता। जिहदे च अपगुण है वह संत हो ही नहीं सकता। यह थोड़ा कि किसी ने अपने नाम के नाल संत ला लिया तो संत बन जाएगा। असी पंगाले जाते हैं तो उत्थे एक ने टेलीफोन किया, डीसी साहब जल्दी आओ। मैं सोच च पै गया कि
इन्हां दी घाटी सी आएगा तो एक बेचारा सादा जिहा बच्चा आ गया तो दूजा कहिंदा डीसी तू इन तरह लेट क्यों। मैं कहा ये डीसी नारखना डीसी धुनी भर गया ना, पुलिस दी यूनिफॉर्म कोई भी पहन लवे लेकिन पुलिस दी यूनिफॉर्म पहन नाल कोई पुलिस वाला नहीं बन जाया करता। पुलिस वाले बन वास्ते उन्हें खास गुणां अपनाना पैंदा है, खास किस्म का कोर्स करना पैंदा। इसी तरह जिन्हां लोकां दे उह नां लैंदे ने कि फलाना जर वो संत है, बेसिकल वो संत नहीं। सब तो पहला किसी च संता वाले गुण होने जरूरी ने। गुरु जी ने संता के गुणा नु दस्या। हाँ आम लोगों की की मैं भी एक बारी भुलेखा खा ही गया। मैनु याद है चहेड़ू उथे एक संत रेंदे ने ब्रह्मनाथ जी होया करदे सन, अजकल उन्हां दी गद्दी ते कृष्ण नाथ जी विराजमान ने। काफी समय दी गल है, उन्हां ने एक संत सम्मेलन रखिया होया सी। मैं थोड़ा लेट हो गया, मेरे मन च चाह सी मैं भी उत्थे पहुंच। जो मैं उठे गया तो प्रोग्राम समाप्त हो चुका सी, संगत भी तकरीबन जा चुकी सी। संत बहुत ज्यादा सन उठे, संगत उतनी नहीं सी जितने संत सन। मैं इधर उधर देखिया, मैनु संत किशन नाथ जी नहीं मिले। मैं एक नु पुछिया कि उन्हां दे सेवादारां नूं कि संत कित्थे ने, वो पहचान गया मैं। काफी समय की गल है, शायद 18-20 साल पहला की गल हो कोई, हाँ काफी देर की गल हो। जो मैं पूछा उन्हां नूं कि संत कित्थे ने, वो पहचान के कह लगे बाबा जी सच्चाई है कि संत ना संतां तों वेख के लोक अगे हुए ने। संतां दे लोकी दर्शन करदे और उस संत लुक गए हुए। तो किस तरह की कहानी गल कहती है, कहिंदा उन्हां संतां दे विच जाके ते देखो। जदों मैं उत्थे गया तो किसी ने लाल रंग दे कपड़े पाए ही, किसी ने काले रंग दे, किसी ने भंग पीती हुई, किसी ने शराब पीती हुई। मन ही मन सोचा कि गुरु जी तुसी कहिंदे सो संत रब हुंदे आ, क्या इन्हां नूं असीं रब समझ लिए। गुरु जी ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। सब तो पहला तुहाडे मन की कसवटी इस योग होनी चाहिए है कि संतां दी पहचान भी ते कर सको। संतां दा सब तो पहला गुण गुरु जी ने कहा सुरसरी सलल किरत बार नीरे, संत जन करत नहीं पान। शराब चाहे गंगा जल्दी भी क्यों ना कड़ी हुई, कदे सेवन नहीं कर। सब तो पहला जेड़े लोग ड्रिंक करते ने शराबा पींदे ने, दूजे पासे उन्होंने संतां दा पहरावा पहनिया होया, वो संत नहीं। दूसरा, संत किसे दा बुरा नहीं मानते। मैनू याद है फौजी रिटायर आया, सत्संग रखवा लिया, मैं चला गया उत्थे। उन्हां दे घर बैठे हुए सन ते कोई किसे ने आके अलख जगाई, तो घर वाले कहन लगे कि चलो
संत एक होर आए ने, मैं उन्होंने नहीं देखा, मैं कमरे च सा। वो कहते संत जी लंघ आओ अंदर, आओ तुहानू चाह पानी पिलाइए। कहते अज मैं चाह नहीं पीना। फिर अज तेन मैं आशीर्वाद देना है। कहते ठीक है। फौजी बोलिया कोई संतां दी सेवा कर लै। उन्हें 5 रुपये कटे संतां नूं देने चाहे पर उन्होंने नहीं ली। कहते अज मैं पैसे नहीं लैने। कहते हुक्म। कहते एक कंबल चाहिए। अज तो 20-25 साल पहला की गल। तो फौजी जो रिटायर होंदा 5-7 कंबल लै आता। तो हुंदा भी सी उन्हां दिनां च भी चलो मैं लै चलता सह उहदी लाइफ हुंदी ही जां किस तरह बदली करते सी पुराने जमा करके नवे लै आने कि जिस तरह भी सी। वो कह लगा मेरे पास कंबल नहीं है। तो कहते मैं पैसे नहीं लेने। उन 10 रुपये 15 रुपये भी देने चाहे आखिर वो चले गए। फौजी की श्रीमती आई कह लगी वो संत आए ही। कहते वो तो चला गया। की गल वो कंबल मंगता सी मैं कंबल नहीं दिता। कहती हो दे देना सी वो तो बड़ा जारी है। पता नहीं हुण कि आफत साढ़े ते आ जाएगी। मैं भी ये गल सुन ली। मैं क्या संतां तो डर रहे कि वो साडे ते कोई आफत पा देगा। मैं उन्होंने बनाया कि जेकर उहदे कोल डर लग रहा है कि सानू कुछ कर देगा। वैसे तो इंसान दे विच कोई ताकत नहीं है कि दूजे इंसान नू कुछ कर देवे। वहम ने भुलेखे ने। पर जे ताकत होए भी कि वह किसी नू करे कुछ तो संत नहीं। क्योंकि संत च गुण है कि वह सब का भला करते हैं। जिस तरह से रोजाना अरदास च सुनते हैं ना नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत कप। जो सब का भला चाहे वही असल च संत। गुरु जी ने बड़ा सुंदर कहा कि जिदे च गुण होवे ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सबन को अन सोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। जिथे सारियां इक्को जिहा जाने कोई उसनू संत कहा जिदी नजरां च। थोड़े ही दिन पहला साड़ी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई जिदे विच काफी सारे संत सन जो कोविड-19 जिन्हों करोना ज्यादा ही कह रहे हैं इस महामारी के उपर। ते मैं संतां नूं बेनती की कि ठीक है जिहड़ियां गल्लां चलदियां रहिंदियां ने कि असीं एक दूजे का सहयोग देना है ते इन्हों असी किस तरह अपने देश चो बाहर कढ़ सकते हाँ। पहले काफी टीवी च भी चर्चा चलती रहती है पर मेरी एक बेनती है तुहाडे सभना दे बहुत वड्डे वड्डे आश्रम ने बहुत वड्डे वड्डे डेरे ने बड़े बड़े वड्डे लंगर लाए जाते हैं। उत्थे मेरी बेनती है कि अज वह गरीबां वल भी जरूर ध्यान दवो जिहड़े विचारियां कोल रोटी भी नहीं है। अज फरीद जी ने कहा सी फरीदा मौतों भुख बुरी राती सुते खा के दिने फिर खड़ी। मौत एक दिन आती है। मैं क्या वह विचारियां नूं भुख रोज लगती उन्होंने की सभना नूं लगती रोटी का सबना फिक्र। और दास जे एक बेनती कर देवे किसी के विरुद्ध नहीं है। असी पठानकोट विच ही बड़िया संस्था वेखियां जेड़िया
दस दस लाख रुपया धार्मिक प्रोग्राम करवा के ला दिंदियां, दस दस लाख रुपया, पता नहीं कितने को सटाल लगा देंगे, कितने क वधिया लाइटा, कितने कितने वड्डे कलाकारां नूं बुला के उथे गुणगान कराउंदे। लेकिन यह महामारी दे टाइम दे उपर कोई भी संस्था बाहर नहीं निकली कि गरीब बेचारे लोग है इन्हां नूं रोटी दी दवाई दी जरूरत हो सकती है, थोड़ी बहुती इन्हां दी हैल्प कर दी। मैं हैरान सा कि यह केवल ते केवल दिखलावे नहीं है, जिहड़ा अगे रचिया होया उन्हीं खिलाउण वाले लोग ने, कि यह गरीबां दी कोई सेवा करन लई तैयार है, जिहदे च गुण है, जो किसे दा देखदा है कि बेसहार है वह आसरा दे, फिर जो किसी की निंदा नहीं करता, जो सब का निस्वार्थ मित्र है, ऐसे गुणा वाला संत होंगे, ऐसे संत होंगे है दुनिया च घट। सतगुरु कबीर जी ने ही सहित कह, सिंगों के लहंडे नहीं हंसों की ना पात, लालों की ना बोरियां, ते साध ना चले जमात। जिस तरह दास ने वो संत देखे चहेड़ू च, पता नहीं किन्ने संगत घट ते संत ज्यादा, कबीर जी कहिंदे ने नहीं सिंगों के लहंडे ने, शेरां दे इज्जड़ नहीं हुंदे, इज्जड़ भेड़ां ते बकरियां दे हुंदे ने, शेरां दे नहीं, हंसां दियां डारां नहीं हुंदियां, डारां बगलियां दियां हो जांदियां, कावां दियां हो जांदियां, हंसां दियां नहीं। हंस किते किते मार सरोवर ते पाया जांदा, इह नहीं कि हंस हुंदे ने, इह नहीं कि शेर हुंदे ने, पर इज्जड़ नहीं, उन्हां दियां डारां नहीं हुंदियां, लालों की ना बोरियां, लालां दियां बोरियां नहीं हुंदियां, बोरियां अनाज दियां हो जांदियां, कौड़ियां दियां हो जांदियां। लाल ते किते 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 तुहानूं बहुत ही किते वड्डे जोहरी दी तिजोरी च मिलेगा ना। इसे तरह साधना चले जमात, संतां दियां जमातां नहीं हुंदियां कि हजार हजार कट्ठा संत तुरिया होया, संत भी किते किते पाया जाता है, जिन्हां जिन्हां दी कल बरसी मनाई जांदी जा रही है, शहीदी दिवस, उसे ही कड़ी चो संत रामानंद जी आए। गुरु प्यारी सतसंगत जी, जदों भी अज तक समाज च परिवर्तन लिआंदा तो संतां ने लिआंदा, पहलां तो मूल ते ही चलती है सी, ते उंगली मार जिन के बंदे दियां उंगलां कट कट के अपने गलां च हार पा लिया तो बुद्ध जी मिले, कईआं दा जीवन बदलिआ। सतगुर रविदास जी आए, कईआं दा जीवन बदलिया, सतगुर कबीर जी आए, कईआं दा जीवन बदलिया, गुरु नानक देव जी आए, कईआं दा जीवन बदलिया। समाज परिवर्तन ही संतां ने लिया, तो इस करके संतां दी बड़ी महानता है, संत बहुत ही महान हुंदे हन। अज भी असी देखिए
महापुरशां ने अनेक स्कूल हस्पताल कॉलेज होर समाज सेवावां शुरू कीतियां होईयां ने संतां लोकां ने। उन्हां दा अपना परिवारक कोई नहीं है, केवल ते केवल जनता दे लई तन मन तन दे नाल सेवा निभा रहे। कोई संत हजारां दी तदाद दरख्त ला के वातावरण शुद्ध बना रहा है, कोई किते स्कूल बना के बच्चियां नूं एजुकेशन दवा रहा है, कोई सानू बुराइयां तो रहत कर रहा है। बस संत हां, बाकी जिन्हां दा काम होवे निंदिया ही करना, उन्हां नूं टाल नहीं सकते असीं, क्योंकि कुदरत दा नियम है। जदों अग बाली जांदी है, चानण हुंदा है, कि उत्थे थोड़ा बहुत धुआं भी जरूर हुंदा। इसे तरह जिथे असी सारे लोग अपने गुरुआं अपने संतां नूं महानता वधांदे हां, उत्थे धुआं भी जरूर पैदा हो। असी धुएं वाला नहीं वेखना, असी देखना कि साडे गुरु ने सानू केड़ी सिख्या दित्ती है, असी उन्हां सिख्या ते चलना। जिहड़े ओह लोक ने जिन्हां च बुराइयां ने अपगुण ने, गुरु पातशाह जी कहिंदे ने ओह पहरावे नाल संत नहीं बनदे, जिन्हां दियां असी मसालां दी गुरबाणी च भी कहता है, वो हर के संत ना किए बनास के ठग, कि उन्होंने तुसी संत क्यों कह रहे हो। संत शब्द नू कदे भी गलत नहीं करना, गुरबाणी कहती है वो बनास दे ठग है, वो विकारी हो सकते ने, अब गुनी हो सकते ने, जिहड़ा संत बन गया वो ते रब रूपी। संत तुझी तन संगत परान, संतां नूं रब रूप कहै, ते जिहड़ी संगत हुंदी है ना इह जान है। प्रभु नूं जीवत किहने रखिआ, संगत ने। गुरु प्यारी सतसंग जीओ, लॉकडाउन हो गई, कर्फ्यू लग गए, संगतां दा आश्रम च आना जाना बंद हो गया। जेकर संगतां इत्थे है सन ते ओह बेचारियां जिहड़ियां रस्ते रस्ते चलदियां रुक गईयां किसी कारण वही सन, तो संगतां दा जो मैसेज आना शुरू हो गया कि सत्संग हो जाए, तो बच्चिया ने एक उपराला करके इसकी शुरुआत की थी। तो मालिक नु जीवत किन कीता, संगत ने। संत हुंदे पर संगत ना हुंदी, तेरा भी इसे तरह हुंदा जिस तरह बिना जान तो एक शरीर हुंदा। जदों संत ते संगत मिल गई, उत्थे साथ साथ परमात्मा हो जाता। संगत संत पातशाह जी ने फिर कह कि संत देवा देव, कि जिहड़ा संत है ना ये देवतियां दा भी देवता है, और ये बिल्कुल सच है। दास ने पहला भी कई बारी मिसाल दे के समझाया कि एक बारी कुंभ दा मेला आया, जदों कुंभ दा मेला आया ते लोग कुंभ ते इसे नाल लोगे, उन्हां दिनां विच सतगुर रविदास जी चित्तौड़गढ़ गए हुए सन। माता गंगा जी ने सोचिया कि सारे लोग आए लेकिन सतगुर रविदास जी नहीं आए, पता नहीं नाराज तो नहीं हो। एक दिन माता गंगा जी ने सोचा कि चल मैं
गुरु जी नूं मिल ही आती है। तो गुरु जी नूं मिलन वास्ते माता गंगा जी बनारस नूं चल। इत्थे इक सवाल पैदा हुंदा है कि वो गंगा नदी चल नहीं, गंगा एक शक्ति का नाम, उसे शक्ति तो गंगा नदी का नाम रखा गया। तो जिहड़ी शक्ति है जदों चल पई सतगुरु जी दे कोल पहुंची जा करके, गुरु जी ने जदों देखा कहिंदा माता जी तुसी, कहिंदे हां। कुंभ का मेला होया, बहुत सारे लोग आए पर तुसी दर्शन नहीं दिते। सतगुरु जी मुस्कुराए, कह लगे बहुत लोग आए वा, कहिंदी बहुत लोग आए, इतने लोग आए तो हड्डा मन प्रसन्न नहीं होया, एक मैं भी आ जाता फिर की होना सी। तो माता गंगा जी कह लगे कि जितने भी लोग आए मेरे च पाप लाने वास्ते आए, पर मेरी पाप उतारने वास्ते कोई नहीं आया। मेरे पाप उतार उतर देने जेकर तुहाडे वर्गे संत महात्मा मेरे च पवित्र चरण पाउन। की क्या माता गंगा ने, माता गंगा जी बोले कि जितने भी लोग आए मेरे च पाप उतारन वास्ते आए, लेकिन मेरे पाप कटन वाला कोई नहीं आया। मेरे पाप ताई कटाउंदे जेकर तुहाडे वर्गे महापुरुष अपने पवित्र चरण मेरे च पाउंदे। सुगुरु तिहारी सत्संग जी, इस करके गुरु जी ने कहा संत देवा देव, संत देवतियां दा भी देवता है, संत बहुत महान है। पातशाह जी फिर संतां दी महिमा गाते हुए अगे फरमाते हैं, संत चे संगत संत कथा रस संत प्रेम बचती जेवा दे संत ची संगत संत कथा रस संत प्रेम बाजे देव दीजे देवा दे कह रहे ने जिन्हां च संतां वर्गे गुण जिहड़े वाकया ही सचमुच संत ने, ऐ मालका मेरे ते किरपा करना बख्शस करना, संत की संगत मेरे ते किरपा करना, मैनू ऐसे लोगों की संगत देना, मैनु इस तरह के लोगों की संगत मिल सके। आखिर उन्होंने संतों की संगत क्यों मंगी, क्योंकि कुदरत का नियम है। कहते ने जैसा पानी तैसी बानी, जैसा अन्न तैसा मन, और जैसी संगत वैसी ही रंगत। असी जिहो जी संगत करांगे साडे ते उहो जिहा ही रंग चढ़ेगा। इस करके गुरु जी ने संतां दी संगत मंगी है ताकि मेरे ते संतां वर्गा रंग चढ़ सके। क्योंकि खरबूजे नूं वेख के कहिंदे खरबूजा रंग पकड़ जांदे। संत जी संगत संत कथा रस,
गुरु जी कहते ने जिथे मैनू पातशाह संतां दी संगत दिती है उथे बख्शस करो, उन्हां दे मैनू प्रवचन भी सुन लो। संतां दी संगत दा काफी फायदा है, बहुत ज्यादा, लेकिन जेकर कृपा हो जाए उन्हां दे प्रवचन भी सुन लो मिल जाए तो होर ज्यादा बख्शस हो जाती। तो गुरु जी कह रहे ने जिथे तुसी संतां दी मैनू संगत देनी है पासा, उन्हां दे मैनू प्रवचन भी सुन लो मिल जाए, क्योंकि अंधे सुन सुन अंधे पावे राह। वैसे तो हर चीज फायदेमंद है, गुरबाणी लोग पढ़ते ने सुनते ने, सारा फायदा ही है, लेकिन जिहड़ी कथा है गुरु जी ने इहनूं एक वक्खरा ही रंग दिता है। जिस तरह वर्खा पैंदी है, एक वर्खा पैंदी है बड़ी तेज वर्खा, पानी नूं पानी कर दिंदी, एक वर्खा पैंदी है वो आस्ता आस्ता थोड़ी थोड़ी दिसदा ही नहीं पानी, पर अंदर ही रचदी जाती है। है कोई सारियां वर्खा ही जिहड़ी बाणी पढ़दे ने वो भी साडे ते एक किस्म की मेहर की वर्खा ही हो रही है, कीर्तन हुंदा वो भी साडे ते मेहर की वर्खा ही हो रही है, जेडे संत प्रवचन करते ने वो भी मेहर की वर्खा ही। लेकिन जेडे असी इस तरह बाणी नूं सुनते हाँ रागां दे विच, जां इस तरह पाठ के रूप दे विच, उसे तरह जिस तरह वर्खा तेज पई पानी पानी हो गया, पर जड़ां ते असर घट। जिहड़ी कथा गुरु जी ने कह कथा इस तरह जिस तरह सुटियां सुटियां बूंदा पानी पैंदा जांदा है, तो गुरु जी कहिंदे ने मैनूं वो कथा दे। फिर कथा रस, कथा सारे सुनते ने, सत्संग सारे सुनते ने, रस लैके कोई कोई जांदा। महाराज जगत गिरी जी कई बारी क्या करते सन, असी छोटे छोटे होंगे साडे पिंड विच आया करते सन, ते महाराज जी ने कई बारी ये मिसाल देनी, अरदास भी उन्हां दी ये मिसाल बहुत बारी दे चुका है कि सत्संग विच चार प्रकार के लोग आउंदे ने, रोंदू पौंदू सौंदू ते चौंदू रोंदू जैलसी भावना वाले। सवेरे ही जरा प्रोग्राम हुंदा है आश्रम दे विच आरती दा, उहदे तो पहला पाठ हुंदा है, तो पाठी साहिबान जैलसी दे उपर दस रहे सन कि किस तरह असीं एक सेवादार उदी ते बख्शस है, सेवा करता है, लोगों को सत्कार दिंदे ने, असी उदी जैलसी करते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह के होंगे ने, यह कदे भी सोचना चाहिए उन्हें मैनू यह क्यों कहता, होंगे ने चल दे। जिस तरह साडे एक दूजे नाल रंग नहीं रलते, इस तरह साडे सुभाव ही नहीं रलते, पर एक अरदास बेनती करते हैं अपने चंगे सुभा किसी भी माड़े सुभा वाल वेख के चंगे सुभा साढ़े नहीं देना। साढ़े च चंगी आदत है, चंगा गुण है, उसको असी छड़ना नहीं है, चंगे गुण सीखना। गुरु प्यारी सत्संग जीओ जिस तरह देखा जाता है कि कोई साडे घर विच आया, असी उहदा बड़ा आओ भगत कीती, उहनूं चाह पिलाई, स्पैशल पकौड़े भी कढ़ते, जां
होर कुछ दिता वधिया करके उहदी वेलकम कीती। उहने कहा तां कि भैन जी तुसी साडे वी कदी घर आ, तो समा मिलिया साडी भैन नूं उह वी उस घर चली गई। जदों गई उह बैठी बैठियां गप्पां गुप्पां मार दे रही, लेकिन उसने उसनूं चाह नहीं पिलाई। जो चाह नहीं पिलाई, गप्पा गुप्पा मार के उठ के वापस आवांगे, तो जो वापस आवांगे तो कुदरती साडे मन च पता की आएगा, इह उदों आई मैं बीचा इहदी वफादारी कीती, इतनी खातरदारी कीती, मैं चाह बनाई, मैं पकौड़े खवाए, इन मेरी मैनू चाह पिलाई नहीं, अगे तो मेरे घर आएगी तो मैं भी इहनू चाह नहीं पिला। आएगा ना साडे मन च, जरूर आएगा। नहीं, साडे च एक क्वालिटी है, मैनू पकौड़े बनाने आती है, मैनू चाह बनाना आती है, मेरे ते किरपा है मालक दी, मेरे घर च है सारा कुछ, मेरे च आलस भी नहीं है। हो सकता वो बेचारे च गोणी ना हो, आलसी हो सकता है उहदे घर दोधी ना हो। असी अपना चंगा गुण उस माड़े अपगुण पिछे क्यों त्यागना? इस करके चंगे गुण नूं नहीं त्यागना। कोई दुखी है दुखी रहे, कोई रोंदू रोंदू रहे, असी रोंदू नहीं बनना। गुरु जी कह रहे ने सत्संग च आंदे ने, रोंदू भी सत्संग च, पौंदू आए सत्संग च फिर फुर के चले गए। केवल इसलिए आए कि हाजरी लवाई। कई घर दे विच जो प्रोग्राम होंदे सन, ब्याहां शादियां च जां बच्चे दा जन्मदिन, सत्संग दा न्योता दिता, उहदे रिश्तेदार भैण भरा आए, कुछ लोकां ने वैसे ही सामने सामने उहदे फिर के दूजे पासे गुआंढियां दे घर जा के बह जाना, रोटी बनेगी ते फिर खा के चल जा। उन्हां नूं कहिंदे पौंदू। तीजे सौंदू सत्संग चाई जरूर, पर टोला के सौंगे, जे टोला के नहीं सुते तो मन करके सुते। चौथे गुरु जी कह चौंगू, जो एक एक गल नूं अपने मन च बिठा ले। कोशिश करनी है असी जो भी सत्संग सुनिए उन्हों अपने मन च बिठा लीए कि महापुरुषां ने सानू ज्ञान की दिता है, असी किस तरह के होना चाहिए। वो जो भी ज्ञान देंदे ने उसनू अपने जीवन च अपनाना होगा। संत जी संत कथा रस, संत प्रेम माजे दीजे देवा दे। ए मालका मेरे ते एक होर बख्शिश कर, मेरे ते किरपा कर कि मेनु संतां दा प्यार दे, मैं संतां वर्गा बन सका। गुरु प्यारी सत संगत जी उन्हां दी संतां दा प्यार मंगिया, होर किसी चीज दा प्यार नहीं। संत कहिंदा पाप पवित्र आत्मा, तां कि पवित्र आत्मा दा प्यार पा के मैं भी पवित्र आत्मा बन सका। गुरु जी फिर अपनी बाणी चके फरमाते हैं, संत आचरण संत जो मार्ग संत च उलग उलग संत आचरण संत जो मार्ग संत च उलग उलग गुरु जी कह रहे ने ए मालका, और एक बख्शिश कर
संताचरण आचरण कहते चाल चलन नू, मेरा चाल चलन संता वर्गा होवे, मैं कितने पैर से पैड़े चाल चलन का ना हो जावा, मैं शराबी ना हो जावा, कबाबी ना हो जावा, विकारी ना हो जावा, मेरे ते बख्शस कर, मैं संता वर्गा मेरा आचरण संताचरण संत चो मार ते संता वर्गा ही मेरा मार्ग। संत दा मार्ग की है, संत का मार्ग कर्म की पौड़ी को पागी पाए, धर्म की पौड़ी है संतां दा मार्ग। धर्म की है तौल धर्म दया का पूत, दया है जिदे च कहता पा मेरे च दया हो, मेरे ते बख्शस करो, दया पावना रहे मेरे च। संत जी दया पावना रहे, और उदे नाल नाल और एक मांगियो भगत चिंता मन, जिथे सारा कुछ मालका तो मैनू दिता है, संतां दी संगत दित्ती, उन्हां दे प्रवचन सुनन मिले, फिर प्रवचना दा रस भी दे दित्ता, संतां वर्गा मेरा चाल चलन भी हो गया, और संतां दा प्यार भी बख्श दित्ता, संतां वर्गा मेरा मार्ग भी बन गया। हुण मार्गा इक होर बख्शस कर, कर दे इक होर कृपा की, और इक मांगियो भगत चिंता मन, मैनू भगती भी दे दे, मैं तेरा नाम भी जप सका। मालका भगत दान मोहे दीजिए, गुरदेवन के देव और नहीं कुछ चाहिए, निस दिन तेरी सेव। ऐ मालका मैनू सेवा बख्श ते भगती बख्श। गुरु प्यारी सत्संगत जी सेवा क्यों होती, उलग उलगनी उलग, मैंने झूठ उलगनी झूठी, झूठ मांजन नो मिले, जेड़ा सेवा करेगा ना उन्हें च अहम नहीं रहता, ऐ कुदरती उदे च अहम खत्म हो जाता है, वो जिड्डे मर्जी उच्चे रुतबे दे चले जाए उदे च अहम नहीं आएगा, निम्रता रहेगी उदे च, दीनता रहेगी, ते जिदे च दीनता है जिदे च निम्रता है उदे ते ही सतगुर मेहरबान है, जिदे च निम्रता नहीं दीनता नहीं, जिदे च मैं है उथे मालक प्रवेश नहीं कर। दिल का हुजला साफ कर, जानना के आने के लिए, ध्यान गैरों से उठा उसको बैठाने के लिए, इस करके असी सेवा भी करनी और सिमरन भी करना होवेगा। गुरु जी फिर अपनी बाणी चके कर लेंगे, और एक मांगो भगत चिंता मन, जड़े लखाओ संत पापे सा, और एक मांगो भगत चिंता मन, जड़ी लखाओ सारे गुण मंग ले मालक सतगुरां ने, लेकिन बुरियां दी संगत नहीं मंगी। कहिंदे संतां दे ते सारे गुण दे देने, लेकिन जिहड़े विकारी है उन्हां दी मैनूं संगत वी ना देना। क्यों? क्योंकि जिहड़े विकारी लोक हुंदे ने अवगुणी हुंदे ने,
उन्हां दी संगत करके किते मालका मैं भी अवगुणी ना हो जा, मैं भी किते विकारी ना बन जावां। सतगुरु जी कहिंदे मैनूं बुरे लोकां तों हमेशा बचा रहा। ते गुरु प्यारी सतसंगत जी आपने भी बुरियां संगतां तों हमेशा बचे रहना। कदे भी सोचना कि मैं उन्हां दी संगत च जावांगा पर मैं वो काम नहीं करना, नहीं जी, बुरी संगत बहुत जल्दी रग चाड़नी जी। चंगी संगत दा आस्ता आस्ता असर हुंदा, बुरी संगत दा बहुत जल्दी असर हो जाता है। इस करके बुरी संगत च नहीं जाना। सतगुरु जी शब्द दीआं आखां वालीआं पंक्तियां च फरमांदे आ, जाने सो संत अनंत अंतर नाहे, रविदास कि दुनिया के लोग कुछ भी कहते रहन, कुछ भी समझते रहन, पर मैं ये जान लिया, मैं ये समझ लिया, मैनू ही ज्ञान हो गया है, संतां च ते रब च कोई भी फर्क नहीं है। सरत है उहदे च संतां वांग कौन है। ते ऐसे लोगों की संगत कर ली, रब की संगत कर ली, ऐसे लोगों को मिल लिया, रब एक गुरु जी ने कहा एक समान है। सो गुरु प्यारी सतसंगत जी, असी भी ऐसे लोगों की संगत करते रहना होगा और अपने जीवन में असी भी संतां वर्गा बनाना होगा। जदों संतां वर्गा साडा जीवन बन जाएगा तो साडा जीवन अपने आप ही आनंदमय हो जाएगा। आखिर विच गुरु चरणा च बेनती है गुरु पातशाह, कृपा करना, बख्शिश करना सुखा ग्रहण दीआं संगतां दे उपर। इसी तरह उन्हां दा मन आप दे चरणा दे नाल जुड़िया रहे, आप हमेशा उन्हां ते कृपा करदे रहो ते बाकी भी संगतां ते कृपा करदे रहो। गुरु प्यारी सतसंगत जी उदास डेरा स्वामी जगतगिरी चैरिटेबल ट्रस्ट वल्लों उन्हां संगतां सारियां दा धन्नवाद करदा है, क्योंकि लॉकडाउन होण करके संगतां आश्रम च पहुँच नहीं पाईआं। ते जिस तरह अजकल कणक दी फसल घरां च आई हुई सी, उह लै के आउंदे सन सेवा थोड़ी थोड़ी साल पर, जिहड़ी संगत है जिन्नियां वी इत्थे संगतां आदियां ने और जो भंडारे हुंदे सन उन्हां दी सेवा नाल ही चलते सन। ते उह संगतां हुण सेवा भेज रही हैं डेरा स्वामी जगतगिरी चैरिटेबल ट्रस्ट। उन्हां सभनां दा धन्नवादी है जिहड़े जिहड़े इस सेवा च जुड़े ने, जिन्हां च विशेष करके महिला संगठन दे या बीबियां, खास करके रानी देवी जी जो कि इस सेवा नूं निभा रहे ने, ते होर भी सेवादार, ते जिन्हां जिन्हां इह सेवा भेजी है डेरा स्वामी जगतगिरी ट्रस्ट, उन्हां सभनां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा है। अज ही सवेरे जो पजराज तो काफ़ी संगत आईआं सन सेवा लै करके गुरु लंगरां वास्ते, क्योंकि लगातार गुरु के लंगरां दे पिछे दो महीने लगातार सेवा चलती रही। अज भी जो ये सेवादार ने जिहड़े इन्हां नूं जरूरत है उन्हां तक
सेवा पहुंचा रहे हैं ते आप भी सहयोग नाल ही हो रहा है। सारिया संगतां दा फिर बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस सेवा में योगदान अपना पाया है। कृपा कर गुरु जी इसी तरह उन्होंने नाम जपन सेवा कर बल देंगे दे। सारी संगतां दस जय गुरु जी आओ आरती न चली नाम तेरो आरती भजन मोरारे हर के नाम बिन झूठे सकल पसारे नाम तेरो आरती भजन मोरारे हर के नाम बिन झूठे सकल कह रविदास
झूठे सगल पसारे नाम तेरो आरती भजन मोरारी हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे रविदास नाम का जगत में चंडा गढ़ाय बार पाप पुरुष सब थक गए जिसे रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रिया उपदेश लिया जिस गुरु से हिरदा दम करिया रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल प्राप्ति उनको है सही सतगुर जिन पर दयाल सुवास जाए परवा न करो पुण पुण लायो बात भगत जान में राग की करो अपना हाथ बिनती करो हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास कृपा की जो दास दे करो बुद्ध पर पास सोहक नाम जहाज है चढ़े सो तरे पार जो श्रद्धा कर सेव दे सतगुरु पार उतारन हार धर्म सिकार गुरुदेव को जुग जुग तार निहार चिता चिमार सी वाल्मीक जी नाम देव कुल तार नाम देव कुल तार जुगो जुग तारा भगत कबीरा जैन बहादुर सैन की संभो करिसी बलवीर रंका बंका पीलनी भगत बठार निहास लो लंगर चलते रहे करो काम को रास जिया जनत परिवार का रहे नाम से गुर रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण गुर रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण हर सो हीरा साड के करे आन की तीनर दोज के जाएंगे सत पाखे रविदास ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न सोट बड़ो सब संब से रविदास रहे प्रसन्न सोट बड़ो सब संब से रविदास रहे प्रसन्न जो बोले सो नरपै सतगुरु रविदास की जय स्वामी जगत गुरु महाराज की जय स्वामी